प्लीज वीडियो को पूरा वॉच करो, मैं आंसर की लेकर आया हूँ आपके सामने। तो वीडियो को जब तक आप पूरा नहीं देखोगे आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप ये वेबसाइट देख पा रहे हैं गाइस, RRB NTPC आंसर की 2021 PDF NTPC CVT 1 एग्ज़ाम की ऑब्जेक्शन। तो ये गाइस मैं आंसर इस पर क्लिक करता हूँ और आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आ जाएंगे, लिंक का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको इस लिंक का। तो गाइज आप फाइनली देख पा रहे हैं, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करो, मैं आपको टोटली दिखा रहा हूँ। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, जैसे ये लिखा है यहाँ से, ये देखिए यहाँ से भी आपके आंसर की निकल जाएगी, पर कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि यहाँ से आंसर की नहीं निकल रही है। तो मैं गाइज आपको नीचे की तरफ एक और दिखाता हूँ लिंक, उस पर क्लिक करोगे आपकी 100% आएगी आंसर की, और मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा। तो बस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी से हमारे, और आपको दिखाते हैं आंसर की। उससे पहले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो जल्दी से चैनल को। आइए तो नीचे की तरफ चलते हैं। तो गाइस आपको कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा, ये देखिए आंसर की आप देख पा रहे होंगे गाइस, यहाँ पर ये आंसर की का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर हमको क्लिक कर देना है। जब क्लिक करेंगे तो कुछ इंटरफेस शो होगा, अब आप देख पा रहे हैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे इसको भी तो आप ये देखिए डायरेक्ट लिंक पर पहुंच जाएंगे। हर किसी जिसका जिस डेट में पेपर हुआ, जैसे NTPC आंसर की फेज 5, मैंने आपको बताया थंबनेल में भी कि फेज 5 तक आ गई है आंसर की। तो RRB NTPC जो 21 मार्च को पेपर हुआ था उसका यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये आप आंसर की निकाल सकते हैं। नीचे की तरफ चलते हैं गाइस, तो यहाँ से 21 मार्च 20 मार्च 21 20 19 12 11 9 8 मार्च इस तरीके के सब अवेलेबल हैं यहाँ पर आपके लिए। और नीचे भी दिखाते हैं गाइस, यहाँ पर सेकंड, ये देखिए गाइस NTPC आंसर की फॉर थर्ड फेज़, ये थर्ड फेज़ का भी ये सब लिंक अवेलेबल है यहाँ पर, आप किसी का भी निकाल सकते हो। अभी निकाल के दिखाऊंगा आपको, 2 मिनट वेट करो आप। अब सबसे पहले मैं दिखा दूँगा आपके लिए फेज 2 का भी यहाँ पर है, सब कुछ अवेलेबल है गाइस। तो अभी आपको निकाल के दिखाऊंगा मैं, सबसे पहले फेज 1 का निकाल के दिखाऊंगा, 5 का भी आप वहीं निकाल सकते हैं। ये फेज 1 आ गया हमारा और सब क्लियर है। तो गाइस आप कमेंट में भी करो कि आपको कौन से फेज़ की निकालना है, या आप पे नहीं निकल पा रही है आंसर की तो मैं आपको निकाल के दिखाऊँगा अगली वीडियो में। और सबसे पहले अब हम निकालते हैं, कुछ बच्चे कहते होंगे ये फेंका तो 5th फेज की निकाल के दिखाते हैं। तो भाई आइए ऊपर की तरफ चलते हैं, जो 5th फेज है अभी अभी हुआ है उसके आंसर की सबसे पहले निकाल दिया हूँ। तो इस जो गाइस क्लिक हियर का ये ऑप्शन दिख रहा है आपके लिए, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। आइए तो क्लिक करते हैं इस तरीके से, तो गाइस कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा आपके सामने, ये आप देख पा रहे हैं। आपको डेस्कटॉप मोड पर दिखा देता हूँ मैं, जो आपको क्लियर दिखाई जाए। तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना फिल कर देना है गाइस, रजिस्ट्रेशन नंबर आप देख पा रहे हैं गाइस, ये देखिए पंजीकरण संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर, तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। और नीचे की तरफ यहाँ पर अपनी डेट, यहाँ मंथ और ईयर डाल देना है, मतलब आपको DOB जो आपके फॉर्म में है या आधार कार्ड में है अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है यहाँ पर गाइस, डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक कर देना है, जैसे ये लॉगिन है आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्लिक कर देना है आपके लिए और आपकी आंसर की आपके सामने होगी। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।